हरियाणा से हैं नताशा, स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार मैम। मैडम। ये गुड़िया के लिए पूछना था। यूरिन के लिए, नहीं, गुड़िया के लिए गुड़िया के लिए। जी पूछना जी बताइए। था। उसको पीरियड की भी दिक्कत है और ये बवासीर भी है। कितनी आयु है बच्ची की? 21 प्लस है। ठीक है। अच्छा, हर माह नहीं, हर महीने उसको पीरियड्स नहीं होते? हाँ जी, 3 4 महीने हो जाते हैं। और जो आपने हल्दी वाला नुस्खा बताया था ना, उससे फिर उसको बवासीर में दिक्कत हो जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है। नहीं, अच्छा, उससे फायदा होता है क्या उनको? डेट तो आ जाती है, फिर वो पाइल्स में दिक्कत होने लग जाती है, ब्लीडिंग आने लगती है लैट्रिन की। ठीक है ठीक है। हाँ, अच्छा किया, पूरी बात आपने बता दी। देखिए, अलग अलग इनके इलाज चलेंगे जब ये ठीक हो सकती है। एक रोग को अच्छा करने के लिए दूसरे रोग का भी इलाज करें, कोई भी इलाज करें आप उनका, ब्लीडिंग का, लेकिन करना तो पड़ेगा। और वो तो बाद में भी अच्छा हो जाएगा, पहले इसका इलाज कर लीजिए, ब्लीडिंग का। और जो बवासीर है, खूनी बवासीर है उन्हें। अच्छा, इसके लिए लीजिए 100 ग्राम लाजवंती और 50 ग्राम कत्था, जो पनवाड़ी पान पे लगाता है ना कत्था, यही सूखा हुआ मिलता है, कत्था सफ़ेद। 50 ग्राम कत्था, 100 ग्राम लाजवंती और 100 ग्राम इसबगुल की भूसी और 100 ग्राम गौंद मोरिंगा सफ़ेद, ये सब आप, और 100 ग्राम अलसी, ये सब आप पाउडर बनाकर इस बच्ची को लिए गोलियां बना दें। आसानी से बन जाती हैं क्योंकि इसमें गम है। और या फिर जैसे भी खा सकें, इसका आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम खाना है। ये गोलियां बना लें और ऐसे छोटी छोटी गोलियां, जैसे काबली चना होता है ना, ऐसी गोलियां बना लें। और 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, या 3 बार भी दे सकते हैं। दूध से देना बच्ची को, पहले इसका इलाज करें, उसके बाद वो नुस्खा इस्तेमाल करें तो फायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं हमारे साथ आशुतोष, स्वागत है आपका। हेलो हेलो जी, जी, बताइए, सवाल करिए। एक सवाल है, बदन कमर के पास कभी अचानक दर्द उखड़ जाता है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र का पता नहीं चल रहा। 21 साल। 21 साल। 21 साल बहुत कम उम्र में ये तकलीफ है, खबरदार हो जाइए। अगर कोई आप वेट वगैरह उठाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, भागते दौड़ते हैं, तो ये सब बंद कर दीजिए। वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल कीजिए, बच्चे जल्दी अच्छे होते हैं। लेकिन बिल्कुल भी वेट लिफ्टिंग ना करें, वज़न नहीं उठाएं। और गोंद स्याह आता है, एक काला गोंद भी इसे कहते हैं, ये असली लें और आधा आधा ग्राम 2 बार खाएं खाने के बाद। गोंद स्याह याद रखें, असली लेना ज़रूरी है। और ये आप लेंगे तो आपको बहुत जल्द फ़ायदा होना मुमकिन है। छोटे कम उम्र लोगों को जल्दी फ़ायदा हो जाता है। अगले कॉलर हैं वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। जय। मैडम, मैं हकीम साहब से बात करना था जी। बात कर जी, लीजिए। बात हो रही है भाई, बताएं क्या सवाल है। एक तो जी गुरु जी, खसखास आप जो बताते हैं चक्की में पीस लें, एक तो ये सवाल है पहला, ठीक है। और एक ये है गुरु जी, लहसुन, और ये आप बताते हैं ना चटनी, ये लहसुन अदरक और ये, इसमें नारियल मिला सकते हैं? ये जैसे नारियल का पानी है या नारियल मिलाते हैं आप बालों के लिए बताते हैं नारियल, तो मैं उसमें नारियल का पानी मिला ले या नारियल मिला ले, चटनी सी बना ले, वो कर सकते हैं? एक ये सवाल है जी, ठीक है। हाँ, एक बड़े अच्छे ये है गुरु सवाल। जी, पहले आपने बताया था ये एलोवेरा का सिरका जो बताया था, जैतून का सिरका, जिसमें कीले डालनी है, खमीर डालना है, ये पहले एक सवाल आया था, काफी जी पहले जी की बात है, ठीक जी जी है। तो ये थोड़ा रिपीट कर दे गुरु जी, मुझे ध्यान नहीं इसके बारे में, मैं भूल जाऊं, ठीक है। एक गुरु जी ये है, पनीर अच्छा होता है या मशरूम अच्छा होता है? एक ही सवाल है जी। एक गुरु जी ठीक। ये है, पनीर अच्छा मतलब है हकीम साहब, या वेज चीज मशरूम? अच्छी होती है या नॉन वेज अच्छी होती है?
एक ये सवाल है गुरुजी, एक ये गुरुजी आपने बालों के बारे में बताया था, काल बाल जो होते हैं, सारी चीज हम उम्र लेनी है, ये हम वजन जो लेनी है, ये आंवला और ये कई सिकाकाई रीठा छोटी हरड़ ये जो बताई थी, तो इससे बाल काले नहीं हो रहे गुरुजी मेरे, जो मैं काफी लगा चुका हूँ, बाल काले नहीं हो रहे, पता नहीं क्या काम हो रहा है जी। आपने सवाल किया कि वेज अच्छा होता है या नॉन वेज, अब वेज वाले के लिए तो वेज अच्छा है और नॉन वेज भी अगर खाएं आप तो उसमें वेजिटेबल के साथ पकाएं तो और बहुत अच्छा हो जाता है, बुराई नहीं कर सकते किसी चीज़ की। जो चीज़ हमें बचपन में फ़ायदा देती है वो बुढ़ापे में नुकसान देती है, जैसे घी दूध मक्खन चर्बी वेज और नॉन वेज, यानी चर्बी वाली चीज़ें कोलेस्ट्रॉल वाली, ये कोलेस्ट्रॉल हमें बचपन में बहुत फ़ायदा करता है हमारी ग्रोथ में और बुढ़ापे में बहुत नुकसान करता है हमें, हमारा खून गाढ़ा होने से हमें हार्ट अटैक फालिज लकवा ब्लड प्रेशर ये सब हो जाता है। तो ये देखना है कि कौन सी चीज़ कब हमें कितनी खानी चाहिए उसका डिपेंड करता है। और क्या सवाल है, चटनी के बारे में पूछा है इन्होंने। हाँ चटनी में आप नारियल मिला सकते हैं, ये आपके सवालात बहुत अच्छे हैं। और क्या सवाल है, खस जो आप खसखाश बताते हैं वो भी चटनी बना सकते हैं उसकी भी? हाँ नहीं, पीसने के लिए पूछा था, आप पीस सकते हैं उसे, लेकिन ऐसे पीसने में उसका ऑयल होता है उसमें तो वो चक्की में चला जाता है सारा ऑयल, जितनी भी ऑयली चीज़ें हैं उन्हें अलग खरल किया जाता है या तो सिलबट्टे पे या एक खरल आती है वैद्यों के पास उसमें, तो वो उसकी जो ऑयल है ना वो उसी में रहता है, तो इस लिहाज से आपको बेहतर लगे तो खरल करें दूध में पीस लें तो ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। बालों को काला करने के लिए जो आप आंवला शिकाकाई बता रहे हैं, हाँ वो आंवला रीठा शिकाकाई छोटी हड़, इसको आप वो जो होता है ना लोहे का बर्तन, कच्चे लोहे का जैसे तवा होता है ना ऐसा, ऐसा कच्चा लोहा, उस पर कुछ पेंट वेंट कुछ ना हो, ऐसे उसमें अगर आप भिगोएंगे तो ये बालों में स्याही लाता है जी। एलोवेरा का और पूछा है हकीम साहब इन्होंने, खमीर को लेके जी। खमीर जो कहते हैं ईस्ट को कहते हैं, जब हमें किसी चीज़ को जल्दी सड़ाना हो तो उसमें खमीर डालते हैं, जैसे रोटी होती है ना तंदूरी रोटी, तो तंदूरी रोटी के लिए ईस्ट आता है खमीर आता है। अच्छा ये खमीर भी कीटाणु ही होते हैं, हमारी पूरी ज़िंदगी कीटाणुओं पर डिपेंड है, कुछ अच्छे कीटाणु और कुछ ख़राब, हम दही खाते हैं तो उसमें भी कीटाणु होते हैं लेकिन हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, छाछ में भी कीटाणु होते हैं और लेकिन हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, ऐसे ईस्ट में भी कीटाणु होते हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। हमारे जिस्म और जिस्म से बाहर दो तरह के कीटाणु हैं, अच्छे और बुरे, हमारे ऊपर बुरे कीटाणु हमला करते हैं, हमारे अच्छे कीटाणु उनका मुकाबला करते हैं, यही सब समझ लें तो वेज और नॉन वेज और इसका उसका फ़र्क ख़त्म हो जाए। जो आपको फ़ायदा करता है वो आपका अपना है, जो आपको नुकसान पहुंचाता है चाहे वो आपका अपना ही हो वो आपके लिए नुकसानदेह है, तो इसी पर पूरी ज़िंदगी है। इंसान दो ही तरह के होते हैं, अच्छे और बुरे, जब इंसानों की तादाद अच्छों की ज़्यादा हो जाती है तो पूरे भारत के लोग अच्छे हैं, अगर अच्छे लोगों की तादाद यहाँ ज़्यादा रहती है, और बुरे लोगों की तादाद जब बढ़ जाती है तो सारे भारत के लोग बुरे, सबको बुरा कहना पड़ता है, तो यही बस हमारे जीवन है, आप इसे गहराई से समझ लें। आपके सवाल भी बहुत गहरे हैं और आपका एक सवाल और था, पनीर अच्छा है कि मशरूम अच्छा है? अच्छा मैं इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं खाता लेकिन दोनों चीज़ें अच्छी हैं, मैंने आपको बताया ना कि कुछ चीज़ें मैं नहीं खा पाता, ये मैंने बचपन से नहीं खाई हैं, तो ना मशरूम और ना पनीर, जबकि दोनों चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, इस पर रिसर्च हो चुकी है, और पनीर ज़्यादा अच्छा है अगर शुद्ध उसका होना दूध का, आजकल शुद्ध होना
बहुत मुश्किल है इंसान का भी पनीर का भी। मशरूम दरअसल इसलिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है कि अभी उसकी नकल नहीं बनी है, पनीर की नकल बन चुकी है। अगले कॉलर हैं हस्तिनापुर से, स्वागत है आपका। हाँ जी हेलो जी, आपका नाम क्या है? मैम नमस्ते, मेरा नाम रविंद्र पाल है। नमस्कार सर। सर हमने हमारा फोन आज काफी दिन में मिला है जी, हमारा हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी भाई। मेरी मैडम जी, मेरी मिसिज है, उनको 7 साल से दचियाबाई की बीमारी है। 2 महीने से जोंद सिया हमने आपने आज लिया है और वो रोज ले रहे हैं हम सुबह शाम, और दर्द बहुत ज्यादा है। अभी फोन भी आया था ना उनका। और हकीम साहब जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं जी, ये जो दवाई है कंटिन्यू चलेगी? जी जी, देखिए आपकी पत्नी का अभी फोन भी आया था, वही कॉल लग रही है, फिर आपने लगाई, कोई बात नहीं, आप एक से ज़्यादा बात भी कॉल कर सकते हैं। देखिए गठिया जो है दुनिया का सबसे ख़राब रोगों में एक रोग है, जिसमें हमारे अपने ही कीटाणु हमारे ही ऊपर हमला करते हैं, जिसे आरए पॉजिटिव या कहते हैं, यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसे हिंदी में गठिया कहते हैं हमारे गांव की जबान में, और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल से ठीक होता है। उन्होंने बताया कि शुरू में उनको फ़ायदा हुआ था, अब दर्द बढ़ गया है, ये इस बात का सबूत है कि उनको फ़ायदा हो सकता है। तो कम भी हुआ था और बढ़ा भी है, तो दवा काम कर रही है। इसमें काफ़ी दिन लगते हैं, 6-7-8 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। जब भी दर्द बढ़ जाए, दर्द की दवा ले लिया करें, अभी 5 दिन दर्द की दवा ले साथ में, इन दवाओं के साथ यही इलाज चलना है, और एनिमल फैट और खट्टी चीज़ें छोड़ दें, कम से कम खाएं, खट्टी चीज़ तो बिल्कुल ना खाएं, और अलसी का मैंने बताया था, अलसी को हल्का सा भून कर रख लें, और आधा आधा चम्मच अलसी के साथ गौंसिया लें, और भगवान से मदद खूब मांगें, और मुझे उम्मीद है कि इनको फ़ायदा मुमकिन है, क्योंकि इशारा हो चुका है इनको फ़ायदा होने का जी। अगले कॉलर हैं देहरादून से, कावेरी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी। नमस्कार मैम। नमस्कार हकीम साहब। कावेरी जी आपका स्वागत है। थैंक यू जी, हमारा प्रोग्राम धन्य हो गया आप फोन कर देते तो। नहीं ऐसा नहीं है सर, आप ऐसा सोचते हैं, ये आपकी ग्रेटनेस है। धन्यवाद, ये आपकी ग्रेटनेस है और शैलजा जी की ग्रेटनेस है कि आप अच्छा समझते हैं। मेरे को बहुत खुशी होती है जब कॉल लगती है, कई बार लगाते रहो तो नहीं लगती है। और मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगी, उस दिन मैंने वापसी के बीज के बारे में पूछा था, तो इसमें मुझे एक या दो बीज रोज खाने होते हैं या कभी कभी, जैसे ऑल्टरनेट डेज कैसे खाने होते हैं, एक तो क्वेश्चन ये है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि बड़ी इलायची, कई बार आप नुस्खों में बताते हैं, तो बड़ी इलायची का क्या रोल रहता है, किस तरह से फायदा मिलती है? एंड थर्ड क्वेश्चन इज कि क्या काला पीलिया भी होता है? इसके बारे में थोड़ा सा मुझे सुन के, पहली बार सुना काला पीलिया भी होता है आपके शो में। एंड चौथा क्वेश्चन ये है कि दो बच्चे हैं, किसी ने पूछा है, मेरी कॉलोनी में एक लेडी है, उनके 8 और 10 साल के दो बच्चे हैं, तो एक को तो उसमें से यूरिन आता है, रात में आ जाता है, तो मैंने बताया था कि जैसा आपने बताया था 2 अखरोट और 10 किशमिश उनको दिया करें रोज रात को, तो क्या ये सही बताया? और दूसरी उनकी प्रॉब्लम ये है कि दोनों बच्चे बहुत ही वेट में ज्यादा हैं, और वो काफी खिलाती भी है, उनको भगाती भी है, और फास्ट फूड को भी अवॉइड करती है, बट उनके लिए वेट कम करने के लिए कुछ हो सकता है? ये बच्चे हैं दोनों का बहुत वेट है, काफी मोटे हैं, मुझे वेट का तो नहीं पता। एंड लास्ट क्वेश्चन इज कि मैं जानना चाहूंगी, अगर आप बताएं तो शैलजा मैम और आपका बर्थडे कब आते हैं? शैलजा का तो शैलजा बताएंगी, लेकिन 2 अक्टूबर गांधी जी जिस दिन पैदा हुए थे,
उस दिन ये नाचीज भी पैदा हुआ था। अब ये शायद जब झांसी की रानी पैदा हुई होगी, जब हो सकता है इनका बर्थडे हो, मजाक कर रहा हूँ, 19 मई, हकीम साहब 19 मई को बता रही है, पता नहीं झांसी की रानी कितने तारीख को पैदा हुई थी, ये तो मजाक हुआ। खैर, आप हमारे लिए बहुत सम्माननीय हैं, और वो जो बाप जी के बीज दो आप खा सकते हैं, रोज़ाना खा सकते हैं, अल्टरनेट नहीं। और क्या सवाल है? बड़ी इलायची के फ़ायदे। हाँ, बड़ी इलायची, देखिए फ़ायदे और बड़ी इलायची के वो भी, अगर मैं किसी एक दवा, मुझे भगवान ने इतना रहम किया है कि इतनी मालूमात दी है कि अगर आप ये कहें कि पूरे शो में बड़ी इलायची पे बोलता रहूं, तो मैं एक से ज़्यादा घंटे उसके बारे में बात कर सकता हूं। तो हम अक्सर नुस्खों में बताते हैं, तो उसके वो फ़ायदे आप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बड़ी इलायची खानी चाहिए। एक मैं आपको इसका नुस्खा बताता हूं। मैं कहीं गया और वहाँ बहुत परेशान वो परिवार, एक बच्चे को हिचकी लग गई और वो जाती नहीं थी, हफ्तों हो गए थे, और एक मेरा माविन यानी हमारे साथ जो बच्चे काम करते हैं उसको 6 महीने से हिचकी आ रही थी। तो मैंने इनको कहा कि एक बड़ी इलायची खा लो और 1 ग्राम गौंद मोरिंगा इसके साथ पानी में डाल के पी लो। वो बच्चे कह रहा था 6 महीने हो गए मुझे हिचकी, और वो सो नहीं पाता था और उसको आदत पड़ गई थी, मुझे भी एक बार हिचकियाँ लगी थी ऐसी, जाती नहीं थी तो इससे गई थी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैदे में, लीवर में, हाथों में गर्मी की वजह से हमें हिचकी आती है, खुश्की की वजह से। तो ये खुश्की को फौरन ही दूर कर देते हैं। नुस्खों को साथ लेना बहुत अच्छा है, किसी को कभी हिचकी आती है रुकती नहीं है, 1 ग्राम गौंद मोरिंगा और 1 बड़ी इलायची खिला दें, बस काफ़ी है। ये और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, काले पीलिया में भी देते हैं, काली इलायची इसे कहते हैं, तो उसका तरीका वही है, 1 इलायची खिला दें और आधा ग्राम यानी 2 चुटकी, 1 चुटकी पूरे दिन में नमक जैतून दें,